गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स बेटा, हम लोग कोलाइडल स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सॉल्यूशन देखा, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हम करेंगे फेसेस ऑफ कोलाइड्स। एंड देयर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बेटा हम फेसेस ऑफ कोलाइड्स जो हैं वो देखेंगे। हमें पता है बेटा कि जो कोलाइड्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं, हमारे पास हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। तो बेटा इसमें क्या है, टू फेसेस होते हैं। टू फेसेस, फर्स्ट इज, फर्स्ट को बोलते हैं हम डिस्पर्स्ड फेस। और दूसरा हम लेते हैं डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम, कोलाइडल सॉल्यूशन में टू हेट्रोजीनियस हैं, टू फेसेस हैं, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। बेटा जब हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या होता है स्मॉल अमाउंट में। और सॉल्वेंट क्या होता है हमारे पास, लार्ज अमाउंट में। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, स्मॉल अमाउंट एंड लार्ज अमाउंट। सेम, अगर जो स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट है हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस, और जो लार्ज अमाउंट में है उसको हम बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देखिए कोई एक जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये एक टैंक है फिल विद वाटर, तो जो वाटर है H2O इज ए डिस्पर्शन मीडियम। और अगर मैं इसमें सैंड मिक्स कर रही हूँ, जो सैंड है वो क्या आ गया हमारे पास, डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, अब आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का पता चल गया। तो बेटा हम डिस्पर्स्ड फेस में जो है, डिस्पर्स्ड फेस की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉल पोर्शन जस्ट लाइक सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ डिस्पर्स्ड फेस। एंड डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द एक्सेस, ज़्यादा अमाउंट में है हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन मीडियम। तो बेटा आपको डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आपको, डिस्पर्स्ड फेस स्मॉल पोर्शन कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल पोर्शन।
स्मॉल पोर्शन प्रोपोर्शन ठीक है, और मीडियम की बात करते हैं तो कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस प्रोपोर्शन ठीक है, सॉल्वेंट डिस्पर्शन मीडियम सॉल्यूट डिस्पर्स्ड फेस। आई होप कि आप लोगों को ये कोलाइडल सॉल्यूशन के टू फेसेस के बारे में पता चल गया होगा। बेटा नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स जो है थ्री कैटेगरीज में जो है ये डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट इज फिजिकल, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम ठीक है। जो सेकेंड टाइप है वो है हमारे पास नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। थर्ड है बेटा हमारे पास टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस। अब इनको वन बाय वन जो है वो क्लासिफाई करेंगे, देखेंगे बेटा। फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम जो है अब हम इसको डिस्कस करेंगे। बेटा हमें पता है जो भी हमारे पास फिजिकल स्टेट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, या तो कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है वो क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर क्या होता है गैस हो सकता है। बेटा अब जो इसका इसका जो टेबल बनता है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम का, ये हमारे पास टोटली 8 कैटेगरीज में बनता है। हम डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्शन फेस, उसके बाद डिस्पर्शन मीडियम। बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप ऑफ क्लोइड और इसका एग्जांपल ठीक है। बेटा अगर देखिए डिस्पर्शन फेस, अगर ये जो है टोटल 8 टाइप के बनते हैं, सॉलिड 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 ठीक है। अगर मैं डिस्पर्शन फेस फेस जो है वो सॉलिड रखती हूँ तो मीडियम क्या रख सकती हूँ, या तो सॉलिड में सॉलिड को घोल सकती हूँ, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में गैस ठीक है। नेक्स्ट जो बनता है वो बनता है बेटा हमारे पास लिक्विड लिक्विड
हम फेस एक रख रहे हैं लिक्विड, और फिर मैं यहाँ पर जो है मीडियम क्या चेंज कर सकती हूँ, लिक्विड सॉलिड में, लिक्विड लिक्विड में, लिक्विड गैस में। जो थर्ड टाइप है वो है गैस गैस। अब जो गैस जो बनती है वो बनती है सॉलिड में या फिर लिक्विड में। गैस गैस कोलाइड्स जो हैं वो नहीं बनते हैं। ठीक है बेटा, अगर हमारे पास सॉलिड सॉलिड है, डिस्पर्शन फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो टाइप ऑफ जो सोल है, सॉरी टाइप ऑफ कोलाइड है, वो बनेगा हमारे पास सॉलिड सोल। अगर सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, तो हमारे पास बनता है सोल। सॉलिड गैस तो हमारे पास बनता है एरोसोल। इनके एग्जाम्पल हैं बेटा, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास रूबी ग्लास। आपने घर में देखा होगा बहुत सारे हमारे पास ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि किसके बने होते हैं, कलर्ड ग्लास के बने होते हैं। तो दैट इज़ द सॉलिड सॉलिड, और सॉलिड लिक्विड तो क्या बनता है सोल। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं पेंट। वैसे तो बेटा बहुत सारे एग्जांपल हैं, पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल जो है वो यहाँ बता रही हूँ। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल जो है वो दिए गए हैं। अगर सॉलिड गैस में है तो हमारे पास बनता है स्मोक। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम लिक्विड सॉलिड में करते हैं तो हमारे पास बनता है जेल। लिक्विड लिक्विड में करते हैं तो इमल्शन। लिक्विड गैस में करते हैं, लिक्विड गैस में कर रहे हैं तो हमारे पास बनता है एरोसोल। दो में बन गया, सॉलिड गैस में बन कर रहे हैं तो भी एरोसोल बन रहा है, लिक्विड गैस में कर रहे हैं तो भी क्या बन रहा है एरोसोल बन रहा है। गैस को सॉलिड में करते हैं तो सॉलिड सोल, और गैस को लिक्विड में करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है फॉर्म बनती है। तो इसका एग्जांपल करते हैं लिक्विड जेल में तो हमारे पास लिक्विड सॉलिड में तो हमारे पास क्या बनता है जेली, बटर घर में जो हम बनाते हैं। उसके बाद इमल्शन जो है, इमल्शन का जो एग्जांपल है वो मिल्क सबसे अच्छा एग्जांपल है, और लिक्विड गैस में है तो इसका हम एग्जांपल दे देते हैं फोग एग्जांपल दे देते हैं। उसके बाद गैस जो है सॉलिड में है तो इसका एग्जांपल देते हैं हम प्यूमिक स्टोन, प्यूमिक स्टोन जो हम घर में यूज़ करते हैं पैर साफ़ करने के लिए प्यूमिक स्टोन। और अगर गैस लिक्विड में, गैस लिक्विड में है तो बनती है हमारे पास फोम लेदर बोल सकते हैं, सोडा वाटर आप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं। बेटा ये थे इसके फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। बेटा अगर आपको इसमें से कुछ नहीं पता चला है तो आप प्लीज़ पूछ लेंगे, और ये टेबल आप याद कर लेंगे। ओके, थैंक यू।